नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे रिलायंस कैपिटल की। जी हाँ, इनका अलग ही रायता चल रहा है। यहाँ पर कभी तो बिडर्स ही नहीं मिलते इनको, कभी अचानक से बिडर्स मिल जाते हैं। अलग से केस चल रहे हैं हर जगह, सुप्रीम कोर्ट, NCLT, हर जगह। कुछ भी बचा नहीं है फिलहाल। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सेकेंड राउंड का ऑक्शन होना था 4 अप्रैल को। जी हाँ, 4 अप्रैल है और आज ही होना था। तो क्या कुछ हुआ है वहाँ पर और क्या होने वाला है, सब कुछ चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अगर आपके पास शेयर हैं रिलायंस कैपिटल के तो भी, और नहीं है अगर आप एंट्री बनाना चाह रहे हैं तो भी, आप न्यूज़ देखा करिए। और लास्ट में जो मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ वो आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। वो अगर नहीं देखेंगे तो आप बहुत बुरा फंस सकते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको ज़रूर देखा करिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से है, आपको मिल जाएगा। कोई टिप वगैरह मैं देता नहीं हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ। केवल काम की न्यूज़ वगैरह डालता हूँ और अपने न्यूज़ अपने वीडियोस के लिंक यहाँ शेयर करता हूँ, क्योंकि कई बार YouTube नोटिफिकेशन नहीं देता है। तो जैसा कि आप न्यूज़ में ही देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो इनका ऑक्शन होने वाला था वो रिशेड्यूल हो गया। कब हो गया? 11 अप्रैल को होगा सेकंड राउंड का ऑक्शन। और दूसरी चीज़ क्या है जो नहीं, अभी तक आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है रिलायंस कैपिटल अपडेट करके, आपको मिल जाएगी। आपको सारा जितना भी अपडेट है मैं लगातार उसमें डालता रहता हूँ, आप देख सकते हैं अगर आप जाके देखना चाहें तो। यहाँ पर अभी 3 बिडर जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं। वो 3 बिडर्स पुराने वाले ही हैं या नए वाले हैं, उस पर अभी हम लोग आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रही हैं 3 अप्रैल की न्यूज़ है, और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भैया लेंडर्स रिलायंस कैपिटल के, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला, क्योंकि जो बिडर्स मिले तो एटलीस्ट, नहीं तो फिर इनको फिर लिक्विडेशन पे ही जाना पड़ता, और लिक्विडेशन पे जाता तो आप जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी एक समस्या होती और उनका पैसा पूरा डूबने का खेल चल जाता फिर आप लोगों का। समझ रहे हैं आप बात को? तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि भैया अब जो रिशेड्यूल हो गई है, जो सेकंड राउंड का ऑक्शन है, और लेंडर्स को एक थोड़ा सा रिलीफ मिला है। और यहाँ आप देखिए तीनों जिनमें बवाल चल रहा है, टोरेंट हो गया, हिंदुजा ग्रुप का जो IIHL हो गया, और ओक्ट्री कैपिटल हैव एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू बिड फॉर रिलायंस कैपिटल। बिल्कुल, इन तीनों ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि ये लोग भैया बिड में शामिल होंगे, बोल लगाएंगे। लेकिन जो पिरामल कौसमिया है उसने अपनी इच्छा नहीं जाहिर की है, उसने कहा कि नहीं भैया हम नहीं शामिल होंगे। और यहाँ पर ये आप देख ही चुके हैं कि भैया 4 अप्रैल से 11 तारीख को हो गई है, ये हमको पता है, समावेश नहीं करेंगे। हाँ, बड़ी चीज़ ये है कि जो स्वीटर्स हैं, जिन्होंने केसेस का रखा है, यानी कि जो ग्रुप्स हैं उन्होंने अब नेगोशिएट किया है लेंडर से, और जो लेंडर से उन्होंने बात मानी है। देखिए क्या इन्होंने रेजोल्यूशन, जो प्लान का टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें चेंज किया है। उन्होंने बोला है कि एज वेल एज शॉर्ट श्योरिटी फ्रॉम लेंडर दैट नो बिड्स वुड बी एंटरटेन्ड आउटसाइड द ऑक्शन प्रोसेस। बिल्कुल, आपको पता है कि बवाल कितना हुआ था यहाँ पर, टोरेंट जीत गया था और फिर वो उन्होंने जो बिड थी वो खत्म होने के बाद फिर नई बोली आके लगा दी थी। तो यहाँ पर इस बार इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है। समझ रहे हैं बात को? कि भैया नो बिड्स वुड बी एंटरटेन आउटसाइड द ऑक्शन प्रोसेस। बिल्कुल, ऑक्शन प्रोसेस के बाद कोई भी बिड वगैरह जो है एंटरटेन नहीं करी जाएगी। और लेंडर्स ने भी अश्योर किया, देखिए लेंडर्स हैव अश्योर्ड द स्वीटर्स दैट हाईएस्ट बिडर विल बी डिक्लेयर्ड द विनर। बिल्कुल, जिसकी हाईएस्ट बिड होगी उसको विनर बनाया जाएगा टू ब्रिंग फाइनली द रेजोल्यूशन प्रोसेस। बिल्कुल, ताकि वो अपना रेजोल्यूशन प्रोसेस जो फाइनल है वो लेके आ सके। अब देखिए यहाँ पर कई सारी न्यूज़ है, कोई जो मिंट है, इकोनॉमिक टाइम्स है, सब थोड़ा सा जो बेस बिड है ना ये अलग अलग बता रहे हैं। कोई 9000 करोड़ बता रहा है, कोई 9500 करोड़ बता रहा है। लेकिन जो हम शेयर होल्डर्स हैं हमारे लिए ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है कि बिड कितने की होती है। हमारे लिए मैटर ये है कि जो भी जिसके पास भी जाए, जो भी रेजोल्यूशन प्लान लेके आए, तो वो एटलीस्ट इन शेयर्स को लिस्टेड रहें दे, या अगर अपनी एंटिटी कोई नाम चेंज करता है या अपनी एंटिटी बनाता है तो उसके शेयर होल्डर्स को दे, तो ही हम शेयर होल्डर्स को फायदा रहेगा। नहीं तो मैं बता रहा हूँ आप लोग फंस जाएंगे, पैसा डूब जाएगा, जैसे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज वगैरह में हुआ। देखिए रिलायंस ने लिया उसको, लेकिन क्या हुआ, फिलहाल पूरा वो डूब चुका है ना। तो यहाँ पर भैया 9500 करोड़ का बेस बता रहे हैं, 8000 करोड़ का क्या देना पड़ेगा, अपफ्रंट कैश देना पड़ेगा, और लिक्विडेशन वैल्यू जो है रिलायंस की वो लगभग कितनी आ रही थी, यानी कि सब एसेट्स वगैरह को बेच देते तो इनको 12,500 करोड़ रुपये मिल जाता। लेकिन आप ये चीज़ समझिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि 12,500 करोड़ तो ज़्यादा ही है, जितने की बोली लग रही है 9000 करोड़ से। लेकिन गए लिक्विडेशन मामला इतना आसान नहीं होता है। कोई सामान खरीदेगा क्या करेगा, हर एक सामान को अलग अलग बेचना, तो लेंडर्स ये सब बयान अपने सर पर नहीं ले सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए क्या होता है भैया कि लेंडर्स कहते हैं ठीक है, ये 2-4 हज़ार करोड़ रुपए कम सही, लेकिन कोई ले ले इसको और हमको हमारा पैसा मिल जाए। लगभग 23,000 करोड़ के यहाँ पर क्लेम्स रिसीव किए हैं जो इनका ARP है। समझ रहे हैं बात को? तो अच्छा खासा पैसा है, और कितना कम में जाता है आप देखिए, कितना सारा हेयर कट झेलना पड़ता है। खैर ये सब बात की बात है, रिटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए पूरा नेगेटिव में ही है, रेड। आप देखिए 1 ईयर 6 मंथ 3 मंथ 2 ईयर 3 साल में 82% इसने प्लस दिए, और 5 साल में आपकी कैपिटल को खा चुका है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में यहाँ पर आपको कमी देखने को मिली, 84,000 का मात्र वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। यस्टरडे की बात करेंगे, यानी कि शुक्रवार को तो 9 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला था, ये सोमवार को है, आज मार्केट बंद है आपको पता है।
और अगर 1 वीक के एवरेज की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 लाख का आपको देखने को मिल रहा है और 1 मंथ का एवरेज 8 लाख का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप देखिए आपको अच्छा खासा कमी दिख रही है वॉल्यूम में। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 8.25 रुपये पर इतने क्लोदिंग दी है, 2.87% भागा है और अभी IRP की स्टेज 0 में है, यानी कि अभी इसमें रेगुलर ट्रेडिंग फिलहाल चलती रहने वाली है। और आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि IRP की स्टेज जब 1 में आएगा तब मान के चलिए यहाँ पर मंडे ट्रेडिंग होगी और बाकी दिन ट्रेडिंग नहीं होगी। और यह कब आएगा, जब आपको कम से कम 6 से 7 अपर सर्किट लगातार देखने को मिल जाएंगे तो इसको IRP की स्टेज 1 में डाला जाएगा और फिर यहाँ पर आपको लोअर सर्किट देखने को मिलेंगे। तो गाइस आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको क्या समझ में आया, आपको एक चीज़ तो क्लियर कट समझ में आ रही है कि कंपनी की हालत है खस्ता और ऐसे समय में यहाँ पर पैसे फंसाना जब लगातार गिरता जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक बेस तैयार करने की कोशिश कर रहा है 8 रुपये के आसपास, है ना, तो ऐसे समय में आप इसमें पैसे लगा रहे हैं अगर तो आप समझिए कि आपका पैसा बचेगा कि डूबेगा, है ना, जहाँ पर एक इतना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। तो आप अगर पैसा लगाना चाह रहे हैं, नए लोग एंट्री करना चाह रहे हैं, मेरी बात नहीं मानना चाह रहे हैं, तो 8 रुपये के आसपास इसकी एक एंट्री बनती है, लेकिन उतना ही पैसा जितना खो जाए डूब जाए तो टेंशन ना हो, क्योंकि यहाँ पर आपको 1-2 दिन से कंसोलिडेशन वाला थोड़ा सा फेज देखने को मिल रहा है। तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अवॉइड कर सकते हैं इसको तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए, है ना। जो नए लोग हैं या जो पुराने लोग हैं जिन्होंने ऊपर ले रखा है, एवरेज करने की गलती कतई मत करिएगा। देखिए यहाँ से इतना भागा था उसके बाद कितनी नीचे आ गया, यहाँ से भी भागा था ना फिर नीचे आ गया, तो यहाँ से भी अगर भागेगा तो फिर नीचे आएगा। और ये सब गेम जो है ये ऑपरेटर्स करते हैं, ऑपरेटर से आपको सावधान रहना होगा नहीं तो आप बहुत बुरा फंस जाएंगे। आप गाइस माना करिए बात, आप बात नहीं मानते हैं इसीलिए आपके पैसे डूबते हैं। शेयर मार्केट में 90% लोगों का पैसा बचे हुए 10% के पास जाता है जो थोड़ा सा प्रो होते हैं। तो आपको समझना होगा कि आपको 10% में कैसे आना है। आप किसी की टिप के भरोसे किसी भी वीडियो, इवन इंक्लूडिंग माई वीडियो, आप मेरे वीडियो भी देख के ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लग पड़ेंगे। मैं आपका आपकी समझ बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मैं इतने सारी जगह से डाटा लेके आता हूँ, क्यों मैं आपको बताता हूँ कि सारी चीज़ें आप खुद देखिए खुद समझिए, है ना। आपको हर वीडियो से एक आइडिया लेना होगा लेकिन करना समझना आपको खुद होगा, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, नहीं तो आप कभी भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे। मैं हमारे अगले वीडियो जो आने वाले हैं वो KPIT टेक्नोलॉजीज का अच्छा खासा गिरा है, लगभग 16-17% गिरने के बाद थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी। और आप व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर BCG का भी वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, ब्राइटकॉम ग्रुप का 10% का अपर सर्किट इसने मारा है और अभी ये कितना गिर सकता है क्या होगा इस पर भी मैं जल्द वीडियो लेके आऊँगा। अगर RSI की बात करें तो यहाँ पर 40 दिख रहा है और देख पा रहे हैं आप कि अभी फिलहाल अच्छी खासी यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है। तो गाइस आपने यहाँ पर देख लिया है बिडर्स ने अपनी शर्त रखी है, बिल्कुल लेंडर्स ने मान लिया, आखिरकार बिडर मिल ही गए, प्राइस जो है 9500 करोड़। और अगला टारगेट आपको पता है कि अगर 8 से सस्टेन करता है तो आपको 9 रुपये और 9.5 रुपये की टारगेट देखने को मिल सकते हैं ऊपर, अगर नहीं सस्टेन करता है तो नीचे आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं 6 और 5 रुपये के भी देखने को मिल सकते हैं, मुझे इसकी संभावना फिलहाल ज़्यादा लगती है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए, धन्यवाद। और हाँ गाइस मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। समझ रहे हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई मत करा करिए, ये डिस्क्लेमर जरूर सुना करिए, धन्यवाद।